लोरमी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन के बेतुलगी फरमान से किसानों को अपने ही पैसे निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में राज्य सरकार ने किसानों को 2 वर्ष की बोनस राशि बैंक के माध्यम से उनके खातों में डाली है, लेकिन अब किसानों को अपनी ही राशि लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक का इंतजार करना पड़ रहा है और लंबे इंतजार के बाद भी किसानों को उनकी धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिली है और इस नाराजगी के चलते कुछ किसान बैंक चक्का जाम करने पहुंचे, जहां लोरमी नायब तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए किसानों के बीच बैंक पहुंचकर जल्द ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि बैंक किसानों को उनका हक कब तक देगी। तो बैंक प्रबंधन के अड़ियल रवैये से किसान परेशान है। किसान अपनी ही राशि निकालने के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम बीत जाने के बावजूद भी किसानों को उनकी राशि नहीं मिल पा रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया है, बैंकों के माध्यम से किसानों को फायदा पहुँचाया है, लेकिन किसान अपने ही पैसे निकालने के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दिए हैं। किसानों में आक्रोश है। आज की डेट जो है गुरुवार, 3 बार हो गए गुरुवार को ही ये लोग जाम करते हैं कि नहीं ये पैसा करके बाकी दिन देते हैं। तो हमारी मांग ये है कि यानी जैसे आज नहीं है तो कल देना चाहिए, तो कल वालों को दे देते हैं। और मात्र ये है कि गुरुवार वालों को कहते हैं शनिवार को आओ, दूसरी बात अंदर जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी जो है अभद्रता की व्यवहार करते हैं, खड़े हैं उसके बाद कुछ गाली गलौज की शिकायत। ऐसा होता है कि किसान बहुत ज्यादा जिन लोगों का गाँव का नंबर नहीं उन लोग भी आ जाते हैं, तो लेने वाले की संख्या बहुत होती है और बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है जो सभी को दे सके। इस विषय में क्या हल निकलेगा? संज्ञान लिया जाएगा, पूछताछ इनसे किया जाएगा और इनको समझाइश दी जाएगी कि किसान जो होते हैं वही सर्वे सर्वा हैं और आपको आप उनके लिए बैठे हैं। हाँ, और उनसे किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्टली इनको समझाइश दी जाएगी और अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से शासकीय कार्रवाई। तो लोरमी से ये मामला सामने, जहां पर बैंक प्रबंधन के अड़ियल रवैये से किसान बेहद परेशान है। किसानों को अपनी ही राशि निकालने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लोरमी मुंगेली से संवाददाता देवेंद्र पाल सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जब सरकार किसानों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो बैंकों को क्या कुछ दिक्कत है? कहां दिक्कत आ रही है? किसानों को क्यों चक्कर काटना पड़ रहा है अपने ही पैसे के लिए? जी जी, मैं को बताना चाहूंगा जी। जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा एक ही बेतुल की फरमान जारी किया गया है, जहां किसानों को लिमिट कर दिया गया कि 25,000 से ऊपर नहीं देंगे, वहीं उनका ATM को भी बंद कर दिया गया है, जबकि यहाँ करोड़ों रुपए का भुगतान होना है। वहाँ जैसे कि आपको बूट के मुख्य जीरे की सामान डब्बा 25,000 रुपए दिए जाते हैं, उसे भी चिन्हांकित किसानों को दिया जा रहा है। अब उस समय बिचौलियों के चेहरों को देकर पैसों को लेने के पहुंचाया जाता है, लेकिन बैंक किसानों को उनका हक क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार ने किसानों को उनका हक दिया है, 2 साल का बोनस उनके खाते में डाला है, तो किसान अपने ही पैसे निकालने के लिए क्यों परेशान है? बैंक का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, जिसमें आक्रोशों का किसानों द्वारा चक्कर जाम करने की कोशिश की गई है। नया तहसील द्वारा चक्कर जाम सोनी द्वारा बैंक मौके पर न जाकर समझते हुए गंभीरता से लिया। इस मामले बैंक प्रबंधक ने जानकारी ली, किसानों को सामने जाकर मामले जानकारी लेकर जिससे तत्काल इस समस्या का सुधार करने की बात कही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। तो लोरमी से ये बड़ा मामला, जहां पर बैंक प्रबंधन के अड़ियल रवैये से किसान परेशान है। किसानों को अपने ही बोनस के पैसे निकालने के लिए दिन रात चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान इस मामले को लेकर बेहद परेशान है और आक्रोश भी किसानों में देखने को मिला है।